अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज जवाद फ्रॉम गेम्स एंड गैजेट्स। आज की इस वीडियो में हम विजिट करने वाले हैं एएमडी हाउस गेमिंग स्टोर का, जो एक पीसी बिल्ड गेमिंग स्टोर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि हमारा चैनल गेमिंग और गेमिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर वीडियो बनाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेमिंग और गेमिंग प्रोडक्ट्स पर, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अपना नाम और दुकान का एड्रेस वगैरह बता दें। दुकान हमारी जो शॉप है वो मिडवे प्लाजा है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे एएमडी हाउस के नाम से, और मेरा नाम जो है सानी सफदर है। ये एक सिस्टम हमने छोटा सा तैयार किया है, टेस्टिंग के लिए फिलहाल तैयार किया। राइजन 5 5600G है ये इसमें। अच्छा। और ये प्रोसेसर जो है 6 कोर 12 थ्रेड्स और 4.4 GHz की बूस्ट होती है। ये उन कस्टमर के लिए जिनका बजट बहुत कम होता है, तो ये 75,000 का सिस्टम है। इसमें 8 GB की 16 GB DDR4 रैम है, 500 GB की हार्ड ड्राइव है, 128 GB की SSD है, ये केसिंग है और नॉर्मल पावर सप्लाई है। ये जैसा देख सकते हैं आप, गेम अभी वैलोरेंट इसके ऊपर चल रही है, तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है आप सारी हम वीडियो के आखिर पे डाल देंगे, तो आप चेक भी कर सकते हैं सारी गेम्स की। तकरीबन कुछ 4-5 किस्म की गेम्स है। इसमें ये बेनिफिट है कि कस्टमर के पास अगर पैसे नहीं है, प्रोसेसर तो उसको ऑलरेडी एक अच्छा मिल ही रहा है। 4.4 GHz इसकी बूस्ट है, 6 कोर 12 थ्रेड्स है, i5 11th जन के बराबर प्रोसेसर है। इंटेल में ये होता है कि अगर आप सिस्टम i5 11th जन बनवाते हैं, आपके पास पैसे कम है, 75,000 रुपये आप बनवा भी लेते हैं, ऐसे महंगा पड़ेगा आपको, गेमें आपकी नहीं चलेंगी। इसमें ये है कि आपका निज़ाम सारा चलता रहेगा, आपके वीडियो एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर भी चलते रहेंगे, हल्के फुल्के गेमें भी आपकी सारी चलती रहेंगी। ठीक हो गया। अच्छा, कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या, कौन कौन से कंपोनेंट्स आपने लगाए हुए हैं? राइजन 5 है, 5600G। अच्छा। वेगा 7 ग्राफिक के साथ आता है, और इन बिल्ट ही ग्राफिक है बीच में? इसमें बिल्ट इन ग्राफिक्स आते हैं, वेगा 7 के ग्राफिक्स आते हैं, ठीक है। प्रोसेसर के अंदर ही ग्राफिक्स होते हैं, मतलब यानी आप यही समझिए कि प्रोसेसर के साथ ग्राफिक कार्ड आपको फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। हाई टू मीडियम लो सारी गेमें 1080p सेटिंग के ऊपर आपकी सारी तकरीबन चलेंगी। इस तरह ये देखिए अभी चल भी रही है, वेलोरेंट है। इसके अलावा आपको और भी गेम दिखा देंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सारी वीडियो के अंत में, ठीक है। तो उन कस्टमर के लिए ठीक है, इसमें आप ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं, कभी भी ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट आपको पावर सप्लाई और जो है ग्राफिक कार्ड लगाना है, पावर सप्लाई अपग्रेड करनी है और ग्राफिक कार्ड आप कोई भी लगा सकते हैं। पीसी एक्सप्रेस स्लॉट इसके अंदर है, तो ये बजट सिस्टम के अंदर, बजट सिस्टम हमने बनाना था, इस वजह से हमने इसकी केसिंग जो है छोटी रखी है, सारी बजट चीजें डाली है, पावर सप्लाई भी हमने नॉर्मल डाली है इसके अंदर। अच्छा, ये केसिंग की देखा जाए तो इसकी प्राइस क्या है? केसिंग तकरीबन है 5500 रुपये की, ठीक है। और ये अगर कोई और बंदा इसको चेंज कराना चाहता है या कोई लाइटों वाली, ये 5000 का पीसी है और इसमें अगर आप चेंजिंग करवाते हैं तो ये केसिंग 5500 रुपये की माइनस हो जाएगी, और जो केसिंग कस्टमर लेगा, काफ़ी सारी केसिंग हमारे पास इन स्टॉक पड़ी हुई है, वो केसिंग आपकी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे रैम्स की बात करें तो रैम 16 GB इसमें रैम है, 8 GB की दो रैम्स लगी हुई है DDR4। कौन से स्पीड क्या है उनकी? 2133 है। इसमें हम 3200 MHz नहीं लगा पाए, उसकी वजह यह कि बजट की वजह से, हमने बजट इसको बजट सिस्टम शो करवाना था बजट के अंदर रहते हुए, क्योंकि कस्टमर का बजट नहीं होता, तो फिर 3200 MHz की रैम जो है मजीद आपको तकरीबन कोई 2000-2500 महंगी पड़ती है। अगर वो भी आप लगवाना चाहते हैं तो हम रैम वो भी हम अपग्रेड कर सकते हैं, कोई नहीं तो इसमें लग जाती है ना? लग जाती है, 3200 MHz पे चलती है, ठीक हो गया। और आगे पावर सप्लाई की बात करें, पावर सप्लाई इसमें नॉर्मल पावर, ब्रांडेड पावर सप्लाई यूज की हमने, इसको आप एनी टाइम चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। और मेमोरी और एसएसडी वगैरह? एसएसडी इसमें 128 GB की है ब्रांड न्यू, और 500 GB की हार्ड ड्राइव है, और कलरफुल का A320M मदरबोर्ड है। और प्रोसेसर हम अपग्रेड का क्या सीन है इसमें? इसमें जो प्रोसेसर अभी फिलहाल लगाया हुआ है ना हमने, तो वो तकरीबन अपग्रेड ही है, कोई इतना बुरा प्रोसेसर नहीं है। 5600G आपको मैंने बताया भी है कि i5 11th जन के बराबर है। वही ना, जिसका बजट बढ़ जाता है तो फिर उसमें आपको मदरबोर्ड वगैरह, अगर आप किसी का बढ़ जाता है तो उसमें ग्राफिक कार्ड आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि ये अपग्रेड नहीं हो सकता फिर, इससे ज्यादा अपग्रेड नहीं हो सकता। ये काफी मैक्सिमम प्रोसेसर लगा हुआ i5 11th जन के बराबर प्रोसेसर है, 4.4 GHz है, 6 कोर 12 थ्रेड्स है।
do I feel like I linger? Linger between the words to say. तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस शॉप से कुछ बाय करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप रابطہ कर सकते हैं। और इनके सोशल अकाउंट्स लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर भी जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।